एक अच्छी मोटरसाइकिल को चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है, लेकिन पब्लिक रोड्स पर बाइक चलाते हुए एक छोटी सी गलती क्रैश का रीजन बन सकती है। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूप डैडा शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मोटरसाइकिल क्रैश सिचुएशंस और इन्हें एनालाइज करके हम इनमें हुई मिस्टेक्स को समझेंगे ताकि बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट से बचा जा सके। सो लेट्स बिगिन। डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने वाली सड़कों पर बने क्रॉसवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स लगे होते हैं जिन्हें हर व्हीकल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से ट्रैफिक सिग्नल्स को जंप कर लेते हैं। यहाँ भी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के बाद थोड़ी ही दूर बने दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने से बचने के लिए दो बाइक राइडर्स ने सिग्नल जंप किया और अनफॉर्चुनेटली दोनों एक दूसरे से टकराकर क्रैश हो गए। इस इंटरसेक्शन पर आगे जाने के तीन रास्ते हैं। सिग्नल जंप करने वाले इस राइडर को सीधे आगे जाना था और पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे इस राइडर को लेफ्ट वाली रोड में जाना था। वैसे तो यहाँ इन दोनों राइडर्स की गलती है, लेकिन इस राइट वाले राइडर ने तो रोड को प्लेग्राउंड ही समझ रखा है। इतनी हाई स्पीड में शार्प टर्न लेते हुए क्रॉसवे में एंटर करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, अल्टीमेटली जिसकी सजा इसे मिल ही गई। यहाँ तो इसकी टक्कर बाइक से हुई, लेकिन अगर लेफ्ट या राइट से आ रही कोई बड़ी गाड़ी इसे हिट करती तो सिचुएशन काफी खतरनाक हो सकती थी। बाइक चलाते हुए आप इस तरह की गलती कभी ना करें। चौक चौराहों पर अलर्ट रहते हुए बाइक की स्पीड को कम रखें, ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ें और टर्न लेते समय अपने राइट और लेफ्ट की सड़क को चेक जरूर करें। अगर आप सही स्पीड मेंटेन करते हुए पूरे प्रिकॉशन के साथ राइड कर रहे हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। कई बार दूसरों की गलतियों की वजह से भी आपको एक्सीडेंट्स की सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। राइट हैंड ट्रैफिक वाली कंट्री में ये राइडर्स मॉडरेट स्पीड में पीसफुली क्रूज कर रहे थे। एक टर्न पर जहां झाड़ियों की वजह से ओपन व्यू नहीं था, वहां सामने से आ रही एक कार ने काफी हाई स्पीड में टर्न लिया जिसकी वजह से वो रॉन्ग साइड में आ गई। अनकंट्रोल्ड कार को देखते ही बाइक राइडर ने ब्रेक्स अप्लाई किए, पर शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से क्रैश को रोका नहीं जा सका। अपनी गलती रियलाइज होते ही कार ड्राइवर ने भी ब्रेक्स अप्लाई करके गाड़ी रोक दी थी, जिसकी वजह से बाइक राइडर को ज्यादा सीरियस इंजरीज नहीं हुई। हेलमेट, ग्लव्स और शूज पहने होने की वजह से इस राइडर की जान बच गई, वरना इस इम्पैक्ट से इसके सर में फेटल इंजरीज भी हो सकती थी। इसीलिए बाइक चलाते हुए हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि भले ही आप एक्सपर्ट राइडर हो, आप पूरी अलर्टनेस के साथ मॉडरेट स्पीड में बाइक चलाते हो, लेकिन सड़कों पर ऐसे हैवी ड्राइवर्स और केयरलेस बाइक राइडर्स भरे पड़े हैं जो बिना किसी गलती के भी आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। ये एक रेस ट्रैक पर हुए क्रैश का वीडियो है, लेकिन पब्लिक रोड्स पर भी कई राइडर्स इस तरह लीन करते हुए शार्प टर्न्स लेने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही डेंजरस है। रेसिंग सर्किट्स पर सभी बाइक्स एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और इन ट्रैक्स के बगल में सैंड और ग्रेवल बिछी होती हैं। साथ ही ज्यादातर जगहों पर सॉफ्ट साइड रेलिंग्स भी होती हैं जो क्रैश की कंडीशन में राइडर को सेफ रखने में हेल्प करती हैं, पर पब्लिक रोड्स पर ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों साइड से आते हुए ट्रैफिक के बीच इस तरह का रिस्क लेना आपके लिए हाईली डेंजरस हो सकता है, इसीलिए पब्लिक रोड्स पर कभी भी इस तरह की गलती ना करें जिससे आपकी और सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान को खतरा हो।
यहाँ ओवरटेक करने के अटेम्प्ट में राइडिंग बेसिक्स को इग्नोर करना इस राइडर को भारी पड़ा। किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करते हुए सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना और क्लियर व्यू चेक करना बहुत जरूरी होता है, पर इस राइडर ने आगे का रास्ता बिना चेक किए ही इस ट्रक को ओवरटेक करना चाहा। अनफॉर्चुनेटली वहां डिवाइडर था जिससे इसकी बाइक टकराकर क्रैश हो गई। ये एक और एक्सीडेंट है जिसमें लीन करने के अटेम्प्ट में बाइक हाई साइड होकर क्रैश हो गई। थैंकफुली आसपास कोई ट्रैफिक ना होने की वजह से कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक रोड्स पर इस तरह लीन करना आपको काफी भारी पड़ सकता है। इस ब्लू सिडैन के अचानक लेन चेंज करने से एक क्रैश होते होते बचा, पर पीछे मुड़कर कार ड्राइवर को कर्स करना इस राइडर की सबसे बड़ी भूल थी। सामने राइट की तरफ चल रही वैन ने भी उसी समय लेफ्ट की लेन में एंटर किया, जिसकी वजह से ये बाइक उस वैन से टकरा गई। इसीलिए रोड्स पर पूरा ध्यान राइडिंग पर होना चाहिए, ना कि छोटे मोटे झगड़ों पर। इस एक्सीडेंट में राइडर की कोई गलती नहीं है। सामने की किसी कार का एक व्हील किसी तरह उससे अलग होकर रोड पर रह गया और पीछे आती हुई बाइक से टकरा गया। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हेलमेट और राइडिंग गियर्स पहनकर आप खुद को इन सिचुएशंस में होने वाले डैमेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा रोड्स पर और भी कई तरह की सिचुएशंस होती हैं जिनमें हर राइडर को रिस्पॉन्सिबल और अलर्ट रहना चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं उन सभी सिचुएशंस को कवर करता रहूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fuck.